जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोग के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत से बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, सर एआरओ गया के लिए रैली भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो वही टॉपिक होने वाला है, एआरओ गया की रैली भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। भाई एक एआरओ गया है के लिए नहीं, किसी भी एआरओ के लिए, चाहे जिस चाहे एआरओ मेरठ से बिलोंग करते हो, चाहे आप पंजाब के कोई भी एआरओ से बिलोंग करते हो, या हरियाणा या दिल्ली या बिहार के किसी भी एआरओ से बिलोंग करते हो, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा रैली भर्ती में। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताएंगे हम। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसका हम छोड़ेंगे, एक एक करके हम यहां पे ऑलरेडी पहले इसीलिए नोट कर लिया हूं मैं अपने कॉपी में, ताकि मैं सभी डॉक्यूमेंट्स का स्टेप बाय स्टेप डिटेल आपको बताऊंगा और आप नोट करते जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के नहीं जाना। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ते हैं भाई, तो वो आपकी गलती है। आप रनिंग में पास करते हैं इतना मेहनत से और एक डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे, तो भाई जाएंगे आप, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं, एआरओ गया के लिए, चाहे एआरओ मुजफ्फरपुर के लिए, एआरओ दयानापुर के लिए, सभी लोग के लिए ये वीडियो है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं ऑलरेडी पहले बता दिया कि रैली भर्ती में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। डॉक्यूमेंट्स का डिटेल हम आपको पूरा बताएंगे, जो रियलिटी है, सच्चाई है, कोविड-19 जो भी सब कुछ बताएंगे भाई। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे नोट कर लिया हूं। सबसे पहले नंबर वन में शो की जा रहा है ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट, मतलब कि आप जो पढ़ाई किए हैं वो आपको ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जीडी की रैली भर्ती में गए हैं और ग्रेजुएशन फाइनल या आप 12th कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन की डिग्री और आप 12th की डिग्री नहीं लेके जा रहे हैं भाई। अगर आप जीडी में जा रहे हैं और 12th पास हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, आप 10वीं का भी और 12th का भी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपका लेके जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे आपका आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका होता है, सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल से बनवाया जाता है। ब्लॉक लेवल के बाद से आपको क्या करवाया जाता है, आपको बनवाया जाता है अनुमंडल से, बनवाया जाता है अनुमंडल से। वहां पे क्या होता है, साइन मोहर वगैरह लगाया जाता है। तो ये आपको करवाना है, या तो इशूड स्टेट गवर्नमेंट से, या तो आपको गवर्नमेंट से इशूड रहेगा वही साइन मोहर, या तो दूसरा आपका तहसीलदार से, या तीसरा आपका एसडीएम से। ये आपको तीन में से एक करना जरूरी है जब आप ब्लॉक लेवल से बनाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र तब। नेक्स्ट है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ साइनेड विलेज सरपंच। कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, जाति प्रमाण पत्र जो आपको बना के लेकर जाना है, वो आपके गांव के सरपंच महोदय से आपको बनवा के लेकर जाना है, जो आपको साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट में फोटोग्राफ्स होना चाहिए। वहां पे आपका साइन मोहर जो भी करते हैं आपके सरपंच महोदय, वो आपको करके देंगे, वो उसका भी 6 महीने का वैलिडिटी होता है। नेक्स्ट आपका होना चाहिए रिलीजियन सर्टिफिकेट इशूड बाई द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी स्टेट गवर्नमेंट तहसीलदार या एसडीएम, मतलब कि रिलीजियन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, और रिलीजियन सर्टिफिकेट में आपका इशूड जो होना चाहिए, जो इशूड आपका होता है साइन मोहर वगैरह होता है, वो आपका होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट से अगर नहीं है उस पे रेसिडेंसी पे, तो दूसरा आपका तहसीलदार से होना चाहिए। अगर तहसीलदार से भी नहीं है, तो एसडीएम से होना चाहिए। ये तीन में से आपका किसी में ना किसी का आपका इशूड होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या तहसीलदार या एसडीएम से आपके रिलीजियन सर्टिफिकेट पे इशूड। नेक्स्ट है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर, मतलब स्कूल कैरेक्टर, आप स्कूल में पढ़े हैं तो आपका कैसा चरित्र है, जिसे स्कूल मतलब इसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बोला जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो इशूड होना चाहिए आपके कॉलेज से आपका होना चाहिए, उस पर साइन मोहर, या आपके प्रिंसिपल से होना चाहिए, आपके हेडमास्टर भी, ये तीनों में से एक में से कोई को होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका तीन होता है, जो एक मैं आपको बता दिया स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब मैं आपको दो बता रहा हूँ। दो में पहला यहाँ पे है, मतलब कि सेकंड नंबर पे म्युनिसिपल या पुलिस इशूड, मतलब कि एक जो आपका बनता है म्युनिसिपल या पुलिस, जो आप एसपी ऑफिस से जाकर बनवाते हैं, उसके बाद थाना में आपका वेरिफिकेशन आता है, तो उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर बनवा के जाना है वहां पे, फिर आपको दोबारा उसी जगह पे लेना रहता है, तो वहां से आपको एसपी ऑफिस से जाकर बनाना है, चाहे तो एसपी ऑफिस से बने म्युनिसिपल पुलिस इशूड, ये बोलने का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट है आपका विलेज सरपंच। विलेज सरपंच से भी आपका होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलेज सरपंच से भी वहाँ पे साइन मोहर करके जाएंगे, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होता है ना, वो 6 महीना का होता है, तो याद रहे कि 6 महीना का ही होना चाहिए उसका वैलिडिटी। ये नहीं कि आप 7 या 8 महीने 1 साल हो गया वो वाला लेके चल गए, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। 6 महीना के अंदर होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 महीना।
तभी ये इसका मान है। ये तीन तरह का होता है, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, एसपी ऑफिस से करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, और एक आपको विलेज सरपंच से। यहाँ तक आप समझ गए करेक्टर के बारे। नेक्स्ट है अनमेरिड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ विलेज सरपंच, अविवाहित प्रमाण पत्र इसे बोला जाता है अनमेरिड सर्टिफिकेट को। तो ये जो आपका होना चाहिए आपके विलेज सरपंच से बना हुआ होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से आपका होना चाहिए। इसका भी जो वैलिडिटी होता है वो आपका 6 ही महीने का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। भाई अगर आपके कोई पिताजी या भाई इंडियन आर्मी में है ना, तो जाहिर सी बात है कि रिलेशन सर्टिफिकेट आप बनवा ही लिए होंगे, तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और मैं आपको तो यही एडवाइस करूंगा क्योंकि रिलेशन की जो भर्ती चलते हैं तो उसमें रिलेशनशिप की भी आपका मतलब सर्टिफिकेट लिया जाता है, और साथ ही साथ आपका फैमिली फ़ोटोग्राफ भी लिया जाता है। मतलब कि आपके पिताजी अगर आपको इंडियन आर्मी में है तो वो फैमिली के साथ फ़ोटो होना चाहिए, पिताजी के साथ जो भी आपके साथ फैमिली वो वाला फ़ोटो लगता है, वो रिलेशन की भर्ती में ये लेके जाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको रैली भर्ती में बता रहा हूँ, अगर आप रैली भर्ती में भी जा रहे हैं तो ये आप लेकर जाए, अगर है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट और आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट। भाई आपका एनसीसी स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है। एनसीसी जैसे मैं एनसीसी सर्टिफिकेट का हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं कि उसका महत्व क्या होता है एनसीसी में, क्योंकि इसके रिटर्न में छूट दी जाती है भाई एनसीसी का। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट पर आप किए तो उसमें 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, रिटर्न में बी किए हैं तो उसमें आपको 10 नंबर का छूट दिया, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किए तो आपको रिटर्न ही नहीं देने की ज़रूरत है, बस आपको फिजिकल और मेडिकल में फिट होने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए बेस्ट है, एनसीसी आप कर सकते हैं अगर आप वीक हैं पढ़ने लिखने में। तो यहाँ तक आप देखें एनसीसी का सर्टिफिकेट का महत्व। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या आप यूनिवर्सिटी लेवल जिस लेवल के लिए है तो वो आप लेकर जाए स्पोर्ट सर्टिफिकेट। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास कंप्यूटर का है डिग्री तो वो आप लेकर जाना है आपको। नेक्स्ट है आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपका कम से कम 24 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है, और आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जल्द का ही फोटो खींचा हुआ होना चाहिए, नहीं कि साल भर 6 महीने हो गया, नहीं आपका 1-2 महीना या यार जब भी आपका रैली भर्ती होने वाला तो उससे 10 दिन पहले खिंचवा ले। और फोटो जो होना चाहिए वो आपका नेचुरल होना चाहिए, जैसा फेस है वैसे ही होना चाहिए, आई बिल्कुल ही आपका क्लियर होना चाहिए, बाल हेयर जैसा है वैसे ही होना चाहिए, कैप वगैरह में आपका फोटो नहीं होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल ही क्लियर आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए लेटेस्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे एफ़ेडाफिट, जब आप एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से एक एफ़ेडाफिट निकाला जाता है, और वही वाला एफ़ेडाफिट आपको अनुमंडल से जाके साइन मोहर वहाँ पे लिखवाना पड़ता है। वो आप जाएंगे वकील के बोलेंगे कि सर हम रैली भर्ती में जाना चाहते हैं, हमें एफ़ेडाफिट बनाना है, तो वहाँ पे बना देंगे। तो एफ़ेडाफिट आपका बिल्कुल ही अच्छे ढंग से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि एफ़ेडाफिट में बहुत से बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। नेक्स्ट है टीसी भी आपको लेकर जाना है। जैसे मैं अगर आप जीडी की भर्ती में गए हैं ना, तो 12th में आप एडमिशन कहीं से करवाए होंगे तो आपका टीसी होगा ही, तो टीसी आपको लेकर जाना है। तो टीसी अगर नहीं है तो उसके बदला बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चल जाता है, तो टीसी अगर आपके लिए है तो लेकर जाएं या बोनाफाइड लेकर जाएं उसके बदला पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईडी कार्ड। मतलब कि आईडेंटी कार्ड आपका आईडी प्रूफ में कुछ भी होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी आपके पास है ना वो आपको लेकर जाना है। और भाई अगर आपके पास तीनों है तो तीनों लेकर जाएं, जाहिर सी बात आधार कार्ड होगा ही, पैन कार्ड होगा ही, तो ये आपको लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड है तो पैन कार्ड छोड़ दिए, नहीं आपको सब लेकर जाना है। नेक्स्ट है आपका पासबुक, पासबुक भी आपको लेकर जाना है, पासबुक आपके पास होगा ही तो लेकर जाना है। नेक्स्ट है आपका कोरोना रिपोर्ट, कोरोना का रिपोर्ट आपको लेकर जाना है, क्योंकि सभी जगह पे कोरोना चेक हो रहा है, कोरोना का रिपोर्ट लेके जाएंगे तभी आपका एंट्री मिलने वाला है। कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट होता है या जो भी आप वैक्सीन लगवाए हैं तो वो सभी आपको लेकर जाना है। जो आपका कोरोना का जो नेगेटिव आता है ना वो आपको 72 घंटे अंदर होना चाहिए, 72 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फिर से करवा के लेके जाए, फिर से क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट एंट्री ही नहीं मिलने वाला है। तो याद रहे आपको 72 घंटे के अंदर होना चाहिए कोरोना का रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एडमिट कार्ड, जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वो एडमिट कार्ड का फोल्डर नहीं करना है, ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, जो वहाँ पे फिल करना रहता है वही आपको फिल करना है, एडवांस आपको नहीं लिखना है, फोल्ड वगैरह नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड। यहाँ तक जो भी
भी था मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर किया। ये ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताया, इसमें एक भी हम डॉक्यूमेंट्स को छोड़े नहीं है। अगर हम छोड़े भी होंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि हम छोड़े हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये जो चेक होता है वही मैं आपके साथ शेयर किया। और इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए भाई, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही समझ में आता है ओरिजिनल आपको होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट होंगे तो आपको बहुत ही दुख होगा। इसीलिए ओरिजिनल और घर ही से आपको दो दो जीरोक्स करवा लेना है ऑल डॉक्यूमेंट्स का। आई होप जो मैं आपके साथ शेयर किया इंडियन आर्मी की रैली भर्ती एआरओ के लिए डॉक्यूमेंट्स का डिटेल वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।